पंजाब के संगरूर जिले में 150 फीट गहरे बोरेवल में गिरे 2 साल के बच्चे को करीब 109 घंटे बाद बाहर तो निकाल लिया गया, तो उसकी जांच आई जा सकी। बच्चे को चंडीगढ़ पीजीआई ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से गुस्साए स्थानीय लोग पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार और जिला प्रशासन के पास विशेषज्ञों का अभाव है और उनके पास ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी तकनीक नहीं है। आपको बता दें कि फतेहवीर को बचाने के लिए 5 दिन से राहत कार्य जारी था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर फतेहवीर की मौत पर दुख जताया है। सोमवार को फतेहवीर का जन्मदिन भी था और उसके लिए नई जिंदगी की दुआ मांगी जा रही थी। फतेह को बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोरेवल के बराबर एक सुरंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हो सकी, लेकिन बचा नहीं सकी। रविवार को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी अड़चने आई थी, क्योंकि यह दरअसल बोरेवल मात्र 9 इंच चौड़ा है। बच्चे को खाने पीने का सामान नहीं दिया जा सका था, उसे सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में खामियों के चलते गई फतेहवीर की जान। शुक्रवार को एनडीआरएफ की टीम ने अर्थ मूविंग मशीन मंगवाकर 60 फीट तक गड्ढा खोदा, लेकिन फिर उन्होंने तरीका बदल दिया और जेसीबी से खुदाई शुरू की गई। 4 दिनों तक चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अनुभव की कमी नजर आई। पहले मशीनरी उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन उससे बच्चे को नुकसान हो सकता था, इसलिए दोबारा इसे हाथों से खोदा गया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।